हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ सिटी स्काइलाइंस 2। लास्ट एपिसोड में गेमर्स आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने हमारे सिटी में सबवे का जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क होता है, उसको बनाया था। और उसकी मदद से अभी अपने सिटी के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। हमने सबसे पहला कनेक्शन इसका देसी बालक सिटी से अपने एयरपोर्ट सिटी से करवाया था, और आज के एपिसोड में मैं इस सबवे का जो कनेक्शन है वो अपने माउंटेन सिटी से भी करवाने वाला हूँ। मतलब आज हम एक काफ़ी लंबा रूट भी बनाएंगे, और उसी के साथ साथ आज के एपिसोड में हम लोग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लगाने वाले हैं। और ये सबवे को लेके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने काफ़ी सारे मेरे को सजेशंस दिए, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जो सबवे होता है वो अंडरग्राउंड बनाना होता है। तो देखो, मेरे को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं पहली बार मैंने सबवे अपनी ज़िंदगी में देखा भी है और मैंने बनाया है, सो दैट्स वाई इतना तो चलता है। बट अभी से जो भी इसके कनेक्शन होंगे आपके हिसाब से मैं इसको अंडरग्राउंड कर दूंगा, डोंट वरी। सो अभी आप देख सकते हो ये सबवे अपने स्टेशन पर आ चुकी है, अपने एयरपोर्ट से अपने देसी बालक सिटी में। और एक सबवे के अंदर लगभग 68 लोग हैं। अभी सबसे पहले आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ से हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनलॉक करा है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में हमने प्लानिंग पूरा कर रखा था, ये वाले लैंड में हम लोग, ये वाले एरिया में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाने वाले हैं। सो अगर हम आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट आ गया ये, और यह आ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, $4 मिलियन। ओ माई गॉड, अरे भाई ये बहुत बड़ा है भाई, मुझे लगा यार ये छोटे से हिस्से में बैठ जाएगा, मुझे ये आधा माउंटेन कट करना पड़ेगा। इधर भी बन सकता है, बट यार इधर वाला ही रहना एकदम मुझे परफेक्ट लग रहा है। हाँ यार, इधर की सारी लैंड परचेस कर लेते हैं अभी। तो इतने लैंड परचेस करने के लिए $1.3 मिलियन चाहिए, मुझे लग रहा है पीछे वाले भी टाइल्स बाय करनी पड़ेंगी। सस्ती मिलती है क्योंकि माउंटेन एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं। तो अगर अब ये पूरे एरिया में देखोगे तो यहाँ पे 99 टन ऑयल भी है। अरे भाई बहुत सारा ऑयल है, तो ठीक है परचेस कर लेते हैं। मैंने परचेस कर लिया, और अभी एक बार देखते हैं कि कितना टाइल पे ऑयल है। भाई ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। अरे नहीं यार, अगर इधर एयरपोर्ट बना दिया तो मेरा इधर का सारा ऑयल चला जाएगा। और वैसे एक सेकेंड, वैसे ऑयल से याद आया, हमको एक नया रिसर्च बिल्डिंग भी मिला था ना, जिसके अंदर ग्राउंड रिसोर्सेज का पता चलेगा, जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ये अगर मैंने लगा दिया तो हमको और भी यू नो रिसोर्सेज का पता लगेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं ये $2 मिलियन की। भाई देखो, अपने पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, सो दैट्स व्हाई मुझे भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में से बोलते हैं भाई तेरे पास इतना पैसा है फिर भी तू पैसे खर्च करने में काहे हकलाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आदत हो गई है, पैसे उन्होंने हमेशा बचा के रखने चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पे रिसर्च सेंटर बना दिया, और सिटी के सारे लोग खुश हो गए। $2 मिलियन में हमने इस बिल्डिंग को तो बना दिया। एक बार इसका सिनेमैटिक व्यू चेक करते हैं। ओ माई गॉड, क्या ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे ऐसा यू नो फेस भी बनाया है, देखो ये आंखें हैं, ये मुंह है। और ऊपर काफ़ी सारे सोलर पैनल्स लगाए, ऑब्वियसली यू नो नेचुरल एनर्जी के लिए। बिल्डिंग तो हमने बना दी काफ़ी प्यारी दिखने में, बट अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि इन्होंने यू नो डिस्पोजिट फाइन करे ओर ऑयल, ये ओर को और ऑयल को फाइन करेगा सिटी वाइड। और यहाँ पे तीन कॉलेज ग्रेजुएशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मतलब 3% चांसेस बढ़ जाएंगे, और 200% चांसेस बढ़ जाएंगे ओर के और ऑयल के फाइन करने के। तो आई थिंक हमको मे बी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा या कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और अगर मेरे को इसके बारे में पता नहीं तो आप भी मेरे को ना कॉमेंट्स में बता दो इस बिल्डिंग के बारे में कैसा ये चीज़ काम करता है। बट ठीक है, हमने बिल्डिंग बाय कर लिया, एंड अभी बारी है इधर के लैंड को प्लान करने का, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे अपना एयरपोर्ट बनाना है। और एयरपोर्ट बनाने से पहले एक बार मुझे देखना पड़ेगा इधर का हम हाइट कौन सा सेट करेंगे लैंड का। मुझे लग रहा है ये जो बीच वाला पार्ट है ये आई थिंक प्लेन लैंड है, तो ये जो लैंड इसको मैं भी यहाँ पे अपने यू नो माउस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला एरिया, और इसको मैं पूरा इधर प्लेन कर देता हूँ। अगर इधर तक मैंने प्लेन करा, एक बार इसको मैं एक सेकेंड, सबसे पहले छोटा ना मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं कितना हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हाइट मैंने सेलेक्ट करा, तो ये इधर इतना हो रहा है। समंदर में बाढ़ तो नहीं आएगी ना? नहीं 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 गाइज गाइज गाइज, ये वाला एरिया पानी के अंदर चला जाएगा। मुझे लग रहा है फिर ये वाला हाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला हाइट सेलेक्ट करा तो हाँ आई थिंक ये वाला हाइट बढ़िया है गाइस, ठीक है यही वाला हाइट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर इधर वाला सेलेक्ट कर लिया तो पानी घुस सकता है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और सेम चीज़ अगर इधर अप्लाई करी तो भी या चल जाएगा, नो वरीज। तो इधर का गाइस यही वाला हाइट हमने भी फिक्स करा है, आई मीन टेरेन का हाइट। और अभी ब्रश साइज 600% करके इस पूरे एरिया को प्लेन करते हैं। लैंड को तो गेमर्स हमने पूरी तरीके से अभी प्लेन कर दिया है, और अभी एक बार देखते हैं कि क्या अपना एयरपोर्ट यहाँ पे फिट होगा। एग्जैक्टली अभी गेमर्स अपना यहाँ पे एयरपोर्ट फिट हो जाएगा, बट अभी सवाल ये है कि एयरपोर्ट को हम कैसे बनाएंगे, ऐसा सीधा बनाएंगे या अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो प्लेन, मतलब बस प्लेन को ना उड़ने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स आएंगी, तो मुझे लग रहा है ये वाला एयरपोर्ट में भी मैं नदी के किनारे यहाँ पे ऐसा बना सकता हूँ। इसका रनवे वगैरह भी मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके अंदर चीज़ें
मतलब फिट हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना रोड के कनेक्शंस बनाते हैं अंदर की तरफ। जो लास्ट एपिसोड में मैंने जो अपना इंटरनेशनल स्ट्रीट वाला जो रोड बनाया था, ये वाला हाईवे को मैं सबसे पहले भी आगे की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि ये अपने सिटी का सबसे मेन हाईवे होने वाला है। हाईवे गाइस इजीली कनेक्ट हो गया और अपना नीचे से मेन हाईवे जा रहा है, मतलब सिटी का जो मेन अपना हाईवे है तो वो जा रहा है, ऊपर से हमने इंटरनेशनल हाईवे को कनेक्ट कर दिया है। एंड ये नीचे से जा रहा है, आई थिंक वो अच्छा है या मे बी उसको मुझे प्लेन करना चाहिए, मे बी यही बढ़िया लगेगा। बट इधर के लोगों को फिर एयरपोर्ट दिखाई भी नहीं देगा, वो बाद में देखा जाएगा। अभी सबसे पहले अपने को एयरपोर्ट डेवलप करना है तो उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। अवर वाटर एक्सीड अवर नीड्स सो वी आर सेलिंग, ओके हम वाटर वगैरह बेच रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, अच्छी बात है। बट अभी 7 लेन रोड को ही गाइज मुझे ना आगे लेके आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक एयरपोर्ट पे ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। तो अभी एयरपोर्ट का जो रोड है उसको मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ, और फिर यहाँ से मैं प्रोबेबली यहाँ पे एक सिटी बना पाऊँगा अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और जो अपना एयरपोर्ट होगा वो इस तरफ बनेगा मेरे हिसाब से, या मैं इधर भी बना सकता हूँ। आई एम स्टिल कन्फ्यूज मैं एयरपोर्ट कहाँ पे बनाऊँ, बट मेरे हिसाब से ये वाला रोड अगर मैंने इधर 90 डिग्री में बना दिया तो ये वाले रोड पर अपना आई थिंक एयरपोर्ट लग जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाले रोड पर अपना एयरपोर्ट लग जाएगा। तो लगा दे इसको, मुझे लग रहा है इधर का थोड़ा सा इशू हो रहा है क्या लैंड का, आई होप ना हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं नहीं चाहता हमारा नुकसान वगैरह हो। मे बी हो जाएगा, या मैं रोड को थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेके आऊँ, लगा देते गाइस। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, एंड ये हमने $4 मिलियन में एयरपोर्ट लगा दिया। ओ माय गॉड भाई, जस्ट लुक एट द एयरपोर्ट, एग्जैक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा ही होता है। और सिटी स्काईलाइंस 2 का तो भाई क्या ही कहने ही क्या, भाई बहुत प्यारा लग रहा है, कितना बड़ा साइज है इसका। सो फाइनली हम लोगों ने एयरपोर्ट बना दिया। इधर तक आई थिंक रनवे का लैंड है, और ये इका बनाए भाई, आई थिंक मुझे गाइज इधर का भी ना, आई थिंक इधर से प्लेन लैंड करने वाले, तो मुझे एक सेकेंड जो पीछे की टाइल है ना मैं गाइज उसको भी बाय करके इसको भी ना ये 4 टाइल्स बाय कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक इधर से सारे प्लेन्स लैंड होने वाले हैं। तो अगर प्लेन लैंड कर दिया और लैंड मतलब उसने करने को आया और वहाँ पे उसको लैंडिंग एरिया नहीं मिला तो वो टकरा सकता है, सो दैट्स व्हाई ये वाला भी जो पीछे वाला एरिया हम उसको भी प्लेन कर देंगे पूरा। पीछे वाला गेमर्स मैंने पूरा एरिया प्लेन कर दिया, बट एक सेकंड ये पानी के अंदर हो गया, अचानक से पानी क्यों दिखाई दिया यहाँ पे पता नहीं, बट एरिया तो गाइस हमने पीछे वाला पूरा प्लेन कर दिया है। तो अभी एयरपोर्ट का जो लैंड है उसको भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा प्लेन वगैरह लैंड करने में, और आने वाले एपिसोड्स में मैं यहाँ पे भी ना कोई सिटी बना दूंगा। ये वाला भी एरिया वैसे ट्रायंगल सिटी या ऐसा टाइप का कुछ बन सकता है, दोनों तरफ से नदियाँ आ रही है और यहाँ पे एक संगम सिटी टाइप का कुछ बन सकता है यहाँ पे, बट ठीक है। ये हमने अभी एयरपोर्ट का पीछे वाला एरिया भी लैंड कर दिया, और यार ये वाला भी बाय कर ही दूँ ना मैं, मतलब अभी कितना ही लैंड बचा है तो इसको भी मैं बाय कर देता हूँ। बस ये बीच वाला पहाड़ रहेगा बीच में, और इसके ऊपर कुछ फॉसिल वगैरह नहीं है, ये पुराना बंजर ज़मीन है इधर की, तो इसका कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो इसको भी मैं जैसे पूरा प्लेन कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, और ये अचानक से नीचे वाला पानी मेरे को कहाँ ही दिखाई दे रहा है पता नहीं, बट ये वाला भी एरिया मैंने मतलब पहाड़ पूरा प्लेन कर दिया। आई थिंक इतना ही प्लेन करते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला भी गाइस पहाड़ पूरा प्लेन कर दिया, और इधर भी कुछ बना है स्टोन मॉन्यूमेंट, तो इसको भी शिफ्ट करके एयरपोर्ट के पास लगा देते, ठीक है, जस्ट लाइक नहीं एयरपोर्ट के पास नहीं, अपना जहाँ से रोड आ रहा है ना यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर हमको पता चलेगा हमने शुरुआत करी है। तो ये स्टोन हेंज जैसा कुछ बना था भाई, कितने इजीली मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, रियल लाइफ में हम इसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। स्टोन हेंज के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई अपग्रेड्स वगैरह तो नहीं है, बिकॉज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से होंगी। पार्किंग फ़ी यहाँ पे हम ऑब्वियसली $50 यार ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अगर यहाँ पे लिखा है कि लिखा है नो ट्रैक कनेक्शन, कौन से ट्रैक, आई थिंक मुझे यहाँ पे ट्रेन के वगैरह पे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे। एक बार ना एयरपोर्ट को प्रॉपर जूम करके देखता हूँ मैं इधर की तरफ, ओके आई थिंक ये कार्गो वाले ट्रैक्स है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेन के भी ट्रैक्स लाने पड़ेंगे कार्गो वाले। फिर अपना यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक टावर है, ये भी यार कितना डिटेल बना रखा है, जस्ट लुक एट दिस, टावर के ऊपर भी कितने सारे छोटे छोटे टावर लगा रखे हैं। और फिर उसके बाद एक कनेक्शन अपना इधर भी है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और फिर यहाँ पे बसेस के वगैरह भी कनेक्शन होंगे, वो आई थिंक इधर होंगे, फिर बसेस या टैक्सी के कनेक्शंस आई डोंट नो, बट अभी मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देते, मतलब यहाँ पे कुछ मैं लाइंस बना देता हूँ एयरपोर्ट वाली। तो अभी आते हैं एयरपोर्ट के कनेक्शन में, यहाँ पे पैसेंजर एयरलाइन, तो पैसेंजर में कितनी लाइन बना सकता हूँ, एक 2 3 4 5 6 7 8 भाई मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ,
दिस इज क्रेजी गाइस, मैं चाहे उतनी यहाँ पे लाइंस बना सकता हूँ। एंड ये वाली लाइंस किस चीज़ की? आई थिंक ये टैक्सी की लाइंस है और इधर बसेस की लाइंस भी है। तो बसेस के स्टॉप और टैक्सी के स्टॉप भी हमको पहले से ही दे रखे हैं। पैसेंजर लाइन अपनी सबसे पहले आई थिंक इधर बनेगी, तो यहाँ पे मैं पैसेंजर लाइन क्रिएट कर देता हूँ और इसको मुझे बाहर के सिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि इधर है। तो यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर लाइन क्रिएट कर दी, पहली पैसेंजर लाइन गेमर्स अपनी क्रिएट हो चुकी है अपने पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और तू गधे कहीं के चुप हो जा, चुप हो गया वो, ठीक है। और एक कार्गो नहीं, अभी पहले पैसेंजर लाइन ही क्रिएट करते हैं। एक इधर है तो एक इधर बनाती है, वैसा अल्टरनेट सेम रहना चाहिए। और इधर से ही फिर दूसरा इधर से भी, ओके एक इधर से आएगी यार, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, सिटी के दोनों तरफ से आनी चाहिए लाइंस। तो यहाँ पे मैंने दूसरी भी लाइन बना दी, तो टोटल मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहली दो लाइंस क्रिएट कर दी है। दिस इज़ क्रेजी। अभी बस हमको वेट करना है यहाँ पे प्लेन के आने का, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्लेन वगैरह आ जाएगा। एंड जैसे कि गेमर्स, आपको मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमारे माउंटेन सिटी से भी कनेक्ट कर दूंगा, तो अभी मेरे को ये भी चीज़ करनी है। सो दैट्स वाई ये वाला जो रोड है 7 लेन का जो सीधा रोड है अपना, ये वाला मैं रोड का कनेक्शन आगे की तरफ लेके जाने वाला हूँ। यहाँ तक आएगा सीधा। आई थिंक मुझे लैंड को परचेस करना पड़ेगा या इधर के कुछ टाइल्स को बाय करना पड़ेगा, तो इधर के भी मैं टाइल्स बाय कर देता हूँ क्योंकि हम इसको भी सीधा कनेक्ट करने वाले अपने माउंटेन सिटी से। तो मैंने लैंड को परचेस कर लिया और ये एयरपोर्ट का 7 लेन रोड यहाँ से सीधा जाएगा अपने माउंटेन सिटी के लिए। आई थिंक इसको पेजअप करके लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में अभी पहाड़ आ रहे थोड़े, तो 180 डिग्री यहाँ तक आ रहा है। ओके बना दे मैंने यहाँ तक और यहाँ से सीधा जाएगा बीच में, अबे हाईवे ये हमेशा बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, यहाँ तक बन रहा है ये। गाइड सम हाउ मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो रोड सामने की तरफ आ चुका है और अभी यहाँ से हम लोग इस रोड को इधर तक मे बी मैं ले जाने की सोच रहा हूँ। तो इधर का भी जो पहाड़ है इसको थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ शिफ्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रोड आ रहा है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट तो बनता है। तो इधर का मैंने पहाड़ को थोड़ा सा प्लेन कर दिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा माउंटेन सिटी को भी उन्होंने एक्सपांड करने का हमको चांस मिल जाएगा। तो यहाँ तक अपना जो 7 लेन रोड है वो इधर तक आ जाएगा। एंड ये बीच में अभी इमरजेंसी बैटरी स्टेशन आ गया, वैसे इसका पोल्यूशन एक बार मैं देख लेता हूँ इसका पोल्यूशन डायरेक्शन कहाँ पे, नहीं तो फिर ये पोल्यूशन का मतलब इधर की बस हवा अपने सिटी के अंदर नहीं कुछ नहीं चाहिए, जो कि लास्ट टाइम अपने दूसरे नहीं अभी इस बार बह के इधर जा रही है, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूँ, यार कितनी बार शिफ्ट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, तो भाई प्लीज़ आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जा क्योंकि यहाँ पे अभी हमको वो एयरपोर्ट का रोड लाने का है। तो इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, दूसरी तीसरी बार शिफ्ट कर दिया मैंने, और इसकी लाइन को भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ अंडरग्राउंड। ओके नो प्रॉब्लम, और इधर की जो लाइन है इस लाइन को इधर से हटा देते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अभी बस 7 लेन रोड को सामने की तरफ लेके आने का है जो कि 180 डिग्री में, अरे यार इसको आई थिंक पेजअप करना ज़रूरी था यहाँ से। तो ये रोड पेज डाउन हो गया और अभी हमारे माउंटेन सिटी से कनेक्ट हो जाएगा। बट अभी ये क्या है चीज़ बीच में, बस डेपो। ओके बस डेपो, ये तो थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर ही सकता हूँ, तो बस डेपो थोड़ा सा इधर आ जा तू, ठीक है। तो बस डेपो को शिफ्ट कर दिया, कितनी सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी मैंने एक बड़े से रोड के लिए, और ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। सो फाइनली गाइज, आपके भाई ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो रोड का कनेक्शन है उसको कर दिया है अपने माउंटेन सिटी के लिए, तो भी लोग इधर से यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। और ये भी आई थिंक इंटरनेशनल रोड ही बना होगा ना, इसका नाम क्या मिला इसको, बी स्ट्रीट मिला नहीं, इसको हम ना माउंटेन स्ट्रीट बुलाएंगे, ठीक है, माउंटेन स्ट्रीट इसको हमने नाम दे दिया क्योंकि ये ऑब्वियसली माउंटेन स्ट्रीट से आ रहा है, तो माउंटेन सिटी का भी यहाँ पे कुछ ना मतलब मेंशन वगैरह होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और अभी बस कनेक्ट कर दिया तो मुझे इधर का जो रोड है इसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा, ये बहुत छोटा रोड हो जाएगा फिर यहाँ से। तो एक काम करते हैं, जो छोटा सा रोड है इसको अपग्रेड करके मैं थोड़ा सा मीडियम 4 लेन रोड में अपग्रेड कर देता हूँ इधर का रोड, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरत होगी। तो ये मैंने रोड को अपग्रेड कर दिया और ये वाले भी रोड को मैं पूरा अपग्रेड कर देता हूँ 4 लेन रोड में यहाँ से यहाँ तक, ताकि ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा सा बढ़िया हो। और ये वाला रोड फिर सामने की तरफ अपग्रेड करके थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ मैं, नहीं यार आई थिंक मुझे ना यहाँ पे ऐसा राउंड अबाउट वगैरह लगाना चाहिए। हाउ अबाउट अगर मैंने यहाँ पे बड़ा सा राउंड अबाउट लगा दिया, हाँ ये चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा राउंड अबाउट लगा दिया और अभी यहाँ से हम लोग रोड के कनेक्शंस इधर उधर कर पाएंगे, जैसे कि एक रोड इधर जाएगा यहाँ से इधर को कनेक्ट होगा ये, अरे नहीं टेढ़ा, मुझे अपने एयरपोर्ट पे भी ध्यान देना, मैं यहाँ पे रोड बनाने में भाई लग गया, बट कोई नहीं, ये रोड यहाँ से इधर तक आएगा ऐसा, तो ताकि मतलब लोग ना चारों तरफ जा सके। तो यहाँ पे मैंने रोड के कनेक्शंस तो कर दिया, अभी अपने माउंटेन सिटी के लोग यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पहला पैसेंजर प्लेन गेमर्स अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुका है, लेट्स गो। इस बात पे गाइस एक लाइक बनता है, सो लेट्स सी ये कौन से टर्मिनल पे जाता है, कि इधर वाले टर्मिनल पे आया है। तो एक साथ भाई लगभग हम
20-22 लगभग कनेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, बट इतने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने बना रहे तो भाई पता नहीं कितने ही लोग ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ से अपने टर्मिनल, पता नहीं कौन से टर्मिनल, ओके ये वाली लाइन फॉलो करके प्लेन जा रहा है और ये वाले टर्मिनल पे जाएगा आई थिंक। नहीं, इधर से इधर जा रहा है पूरा घूम। ए किधर जा रहा है तू? पता नहीं, लेट्स सी कौन से। ओ दूसरा भी आ गया ये। ए बाहर जा। ए ओके यहाँ पे, ओके ये वाले टर्मिनल पे आ रहा है। यहाँ ये वाले टर्मिनल पे आके ये रुक जाएगा। अभी देखो इसके अंदर कोई पैसेंजर वगैरह है नहीं, बट जब ये अपनी सिटी यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, इधर की सिटी, तो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा अपना ये वाला भी टर्मिनल। और दूसरा भी प्लेन आ गया आई थिंक ये वाले टर्मिनल के लिए, इधर आएगा। ये वाले भी प्लेन के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं है, बस थोड़ा रुको, एक दो दिन रुको सिटी स्काइलाइंस के, एक दो दिन फिर यहाँ पे लोग ट्रैवल करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये वाला भी जो पार्ट है, मुझे यहाँ पे भी गाइस एक सिटी डेवलप करनी है अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ये वाले साइड में। दिखने में भी ना ये सिटी अच्छी लगेगी, मतलब यहाँ पे भी ऊंची बिल्डिंग्स, उधर भी ऊंची बिल्डिंग्स, तो मैच हो जाएगा। सो दैट्स वाई मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लगाने का ये वाले पार्ट में। सो दैट्स वाई अभी यहाँ पे अगर मैं देखते हैं अपने इंटरसेक्शन में, ताकि मतलब हाईवे के सारे व्हीकल्स अपने सिटी के अंदर एंटर करें, तो ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे मैं लगाने की सोच रहा हूँ, जो कि इधर एग्जैक्टली अपना फिट हो जाना चाहिए। फिट हो जाएगा फाइनली गिवर्स, मैंने इंटरसेक्शन यहाँ पे फिट करवा दिया। तो अभी अपना जो सिटी का जो मेन हाईवे है, जो कि दोनों मेन इंटरनेशनल हाईवेज है, इंटरनेशनल ही बोलेंगे हमको इनको, नेशनल बोलेंगे, अपना इंटरनेशनल अभी ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से भी अपने सिटी के अंदर इधर व्हीकल्स आ सकती है। एंड नाउ अभी मैं ये वाले जो हाईवेज है, इन हाईवेज के कनेक्शंस को आगे लेके चलता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा ना यहाँ पे और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब अभी काम करता हूँ मैं, थोड़ी देर में यहाँ पे ना काफ़ी सारे रोड के कनेक्शंस बना लेता हूँ मैं, और फिर फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब रोड के कनेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। A few moments later. After spending आधा घंटा, आपके भाई ने जो पूरा एयरपोर्ट का न्यू लेआउट है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अभी ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ये वाले लेआउट में अभी हम अपनी सिटी डेवलप करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बार रोड्स समझा दूं। तो देखो अपना एयरपोर्ट यहाँ पे है, तो एयरपोर्ट का जो भी मैंने जो रोड के कनेक्शंस करे वो ये वाला अपना मेन हाईवे, यहाँ से व्हीकल अंदर आएंगी एयरपोर्ट पे, यहाँ पे लोग उतरेंगे या यहाँ से चढ़ेंगे एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट से रिपोर्ट करेंगे बाहर आएंगे, तो उनको ये वाला रोड नया मिलेगा। और ये वाले रोड से सीधा जो लोग हैं अपने मेन सिटी के, वो मेन सिटी के अंदर ये वाले रोड से इजीली एंटर कर सकते हैं। और जो मेन अपने जो मेन सिटी के लोग हैं, दिसी बालक या मोमो सिटी जो भी सिटी है, तो उधर के लोग ये वाला जो अपना हाईवे है, ये वाला हाईवे का यूज़ करके अपने सिटी के अंदर एयरपोर्ट पे इजीली जा सकते हैं ये वाला हाईवे का यूज़ करके। तो लगभग सभी लोगों के लिए मैंने हिसाब से आधा घंटा लगा के पूरा जो रोड का लेआउट है वो कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी बारी है यहाँ पे अपना सिटी डेवलप करने का। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज मार्क कर देता हूँ, जो कि अपने एयरपोर्ट के लिए बढ़िया होगा। एंड यहाँ पे अभी एक ऊपर से प्लेन जा रहा है, वो ये बड़ा प्लेन आई थिंक इधर ही जा रहा है, मे बी इधर ही आ रहा है। इसके अंदर कितने पैसेंजर्स है? वेट, ये कार्गो प्लेन है। अरे कार्गो प्लेन किधर जा रहा है फिर ये? हेलो भाई, ये बहुत अलग प्लेन है, ये मैंने पहली बार देखा है। मे बी अपने दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। एंड वैसे भी गाइस मुझे एक और सवाल है कि क्या मैं अपने ये वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने वो वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ? आई डोंट नो, लेट्स सी, मे बी ये फ्लाइट दोनों, बट दोनों एयरपोर्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा? हाँ होगा, ताकि पैसेंजर्स अपनी ना लाइंस इंटरचेंज कर, मतलब चेंज कर सके। तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इधर वाले एयरपोर्ट का प्लेन का कलर अपना थोड़ा सा रेडिश रहेगा, ठीक है। तो मैंने कलर चेंज कर लिया, और अभी यहाँ से हम लोग रेड कलर की एयरपोर्ट की एक लाइन बनाएंगे, जो कि ये वाले एयरपोर्ट पे आएगी। ओके, तो फिर ना लोग अपनी लाइंस चेंज कर पाएंगे। तो इधर से जो एयरपोर्ट पे अपनी लाइन आएगी वो प्रोबेबली मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाले एयरपोर्ट से भी लाइन कनेक्ट कर दी, ताकि प्लेन लोग बाद में चेंज कर सके। तो ये यहाँ पे रूट कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे कार्गो की भी तीन लाइन है, मतलब ये वाली तीन कार्गो की लाइन है और इधर भी तीन कार्गो की लाइन है। टोटल हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 6 कार्गो की लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने बना दिया। एंड नाउ अभी हमको यहाँ पे अपना सिटी डेवलप करना है, तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बना लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे बढ़िया रहेगा, तो अमेरिकन थीम की बिल्डिंग ना मेरे को बढ़िया लगती है, नॉर्थ अमेरिकन थीम। तो यहाँ पे मैंने हाईली डेंसिटी नॉर्थ अमेरिकन थीम वाले बिल्डिंग्स एरिया मार्क आउट कर दिए। यहाँ पे हाईली डेंसिटी एरिया बनेगा, और इधर भी आई थिंक यहाँ पे भी बना देते हैं। ये वाली पूरी स्ट्रीट ही हम हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन वाला बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल एरियाज मार्क आउट कर दिए, फिर कुछ कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल स्ट्रीट में भी मैं यहाँ पे लगाने के सोच रहा हूँ। नहीं यार, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया अगर बना रहे तो बाद में ट्रैफिक का इशू होगा। सो प्रोबेबली मे भी मैं यहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट बना सकता हूँ। तो मैंने कमर्शियल स्ट्रीट भी बना दी। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है व्हीकल्स ने गाइज फाइनली यहाँ पे आना शुरू भी कर दिया। जस्ट लुक एट दिस,
पहली आई थिंक ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए व्हीकल जा रही है, तो अभी यहाँ से सीधा व्हीकल जाएगी अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मे भी वहाँ पे लोग अभी ट्रैवल करेंगे। काफ़ी सारी गाइज अभी व्हीकल अपने एयरपोर्ट पे आना इन्होंने शुरू कर दिया। आई थिंक ये टैक्सीज है, तो टैक्सी के अंदर कोई पैसेंजर, आई डोंट नो, कोई पैसेंजर तो है नहीं। अभी देखते ये टैक्सी कहाँ पे जाती है, मे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी तो आई है, मे भी इसके अंदर घुसेंगी, आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी ये टैक्सी को फॉलो करते हैं। ये टैक्सी यहाँ से, अबे ए कहाँ पे जा रहे तुम लोग, ये सिटी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अभी तुम लोग को तो एयरपोर्ट पे जाना था ना, पता नहीं, ओके ये इस रोड से आई थिंक वापस जा रही है, तो ठीक है। अभी यहाँ पे ना लोग आना जाना शुरू कर देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। एंड एक सेकेंड, इधर क्या हो गया? ओ नो 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 नो, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इनफ वाटर। आई थिंक यहाँ पे पानी का वगैरह कोई कनेक्शन मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो सबसे पहले अभी वो सारी चीज़ें बनाते हैं। ओ यहाँ पे काफ़ी सारा ग्राउंड वाटर है, तो एक्जैक्टली मैं यहाँ पे एक पंप लगा देता हूँ और इसको अपग्रेड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम भी लगा देंगे और एक्स्ट्रा पंप भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दिया, आई थिंक इसको भी पानी मिलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे अपना जियो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का मैं एक लाइन लेके आता हूँ। हाँ यार, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर की मे भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जियो थर्मल प्लांट से हम यू नो मेन लाइन लेके आएंगे पावर की, तो मे भी प्रोबेबली हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया और यहाँ से फिर हम एक यू नो अंडरग्राउंड एक नई लाइन बना देंगे अपने जियो थर्मल प्लांट के लिए, जो कि यहाँ तक आएगी। तो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, अभी आई थिंक यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। चलो भाई, ओके गाइस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई, तो आई थिंक अभी इनका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। और अभी बस एक ही इशू बचा है, सीवेज। अभी सीवेज बैकिंग अप हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ अपना मेन सिटी से ही ना मैं पाइपलाइन कनेक्ट कर देता हूँ अपना सीवेज का, तो इसको मैं मेन हाईवे से, हाँ यार मेन हाईवे से कनेक्ट कर देता, आई थिंक हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। एक कनेक्ट कर दी, अभी दो होनी चाहिए, तो दूसरी भी मैं यहाँ पे ये वाला हाईवे से कनेक्ट कर देता हूँ। और मैंने अभी भी यहाँ पे ना एक वाटर टावर देखा है, डिलीवर्स फ्रेश वाटर इनटू सिटी वाया पाइपलाइंस, कॉस्टली टू मेंटेन व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स आउटपुट कैपेसिटी, बट वन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, कैन बी अपग्रेडेड विथ अ वेविंग डेक। ये लगा के देखिएगा, इट्स कॉस्टली है, बट गाइस मैंने अभी तक लगाया नहीं है ये पानी का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मैं एक वाटर की टंकी जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ पे होती है ये मैंने लगा दी। सिटी स्काईलाइंस वन भी आई थिंक थी, और इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, विविंग डेक टाइप का कुछ हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ओ फिर लोग आके ना यहाँ पे आई थिंक फिर नज़ारे ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक विविंग डेक भी आ गया, इट्स लुकिंग गुड। तो हमने यहाँ पे एक वाटर की फैसिलिटी भी लगा दी है। एंड देखते ही देखते बहुत सारे लोग अपने अभी एयरपोर्ट पे, तो ये लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, ये लोग ना आई मीन ये वाले हाईवे का यूज़ करके अपने सिटी से बाहर जाने का एक अल्टरनेट रूट फाइंड कर रहे हैं। ये थोड़े यू नो थोड़े दिन होगा बाद में आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट ये सारे के सारे लोग ये वाला हाईवे का यूज़ करके अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं। यार ऐसा तो मत करो यार, मतलब अभी ये लोग ना एयरपोर्ट का हाईवे का गलत मतलब गलत यूज़ कर रहे हैं। गलत यूज़ करना होगा तो भाई मैं फिर यहाँ से ना इस रोड को हटा दूंगा, और अगर यहाँ से लोग गलत यूज़ करें तो मैं भी यहाँ से ना काफ़ी सारे व्हीकल्स अपने सिटी के अंदर एंटर कर रही होगी। मैंने बोला ना, अभी लोग ना लिटरली अपने एयरपोर्ट का यूज़ अल्टरनेट रोड की तरह यूज़ कर रहे हैं। भाई मैं जब भी कुछ बनाता हूँ ना ऐसे ही हो जाता है, बट ठीक है, अभी 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 देखते हैं कुछ दिनों के लिए इसको ऑन रखते हैं। अगर बहुत सारे व्हीकल यहाँ से अभी जाने लगे तो मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा। देखते ही देखते यहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो गई है और एक नई बिल्डिंग अनलॉक हो गई है, फ्यूल प्लांट। फ्यूल प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री हैपन्स हियर, तो अभी हम फ्यूल वगैरह भी बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फ्यूल प्लांट मिला है सिग्नेचर बिल्डिंग में इंडस्ट्री के लिए, तो ये वाला फ्यूल प्लांट हम लगाएंगे यहाँ पे, हम फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे, उससे पोल्यूशन वगैरह भी कम होगा। ये बनाएंगे बट अभी नहीं, ये मे बी प्रोबेबली हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। 23 पैसेंजर्स गेव अस अभी वेट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एंड जो मैंने दूसरी लाइन बनाई थी प्लेन की, अपने दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन आ गया, मतलब पास ही वाले अपनी जो यू नो एयरपोर्ट टाउन है उधर से भी प्लेन अभी आई थिंक उड़ के उधर ही जाने वाला है। तो बिना इस प्लेन को फॉलो करते इसका पूरा रूट, मतलब अपना जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसको हमने इंटरनेशनल से कनेक्ट कर दिया, तो उधर के भी प्लेन अभी फ्लाई करके अपने मेन सिटी के अंदर आएंगे। एंड ये वाला टावर हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था, जस्ट लुक एट दिस, क्या बढ़िया लग रहा है भाई। और अभी ये वाला प्लेन, मैं फर्स्ट टाइम प्लेन का हम एकदम प्रॉपर व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे देखो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीछे दिखाई दे रहा है, वही कितना प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ से पूरा टर्न लेके अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे चला जाएगा आई थिंक। थोड़ा सा स्पीड अप करते, ये कितना अजीब रूट ले रहा है। ओके आई थिंक ऐसा ही रूट है, मतलब ऐ कहाँ पे जा रहा है ये, आई थिंक वहाँ पे जगह नहीं है, दैट्स वाई अभी ये ऊपर घूमेगा। हाँ, जब एयरपोर्ट को ना प्लेन मतलब प्लेन को लैंड होने के लिए जगह नहीं मिलती है तो ये ऐसे ही हवा में घूमता रहता है, और आई थिंक अभी यहाँ पे ये लैंड कर देगा मेरे हिसाब से। सो फाइनली अपना प्लेन भी लैंड हो गया,
दोनों के पास पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट कर दिया, तो अगर किसी को अपने सिटी से इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है वो लोग इजीली यू नो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लोग यहाँ पे इजीली आ गए। एंड यहाँ से अभी मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुझे यहाँ पे अभी एक सबवे स्टेशन भी लगाने का है, तो मैं अभी इसकी भी एक मतलब इसका भी एक स्टेशन यहाँ पे लगाने का सोच रहा हूँ। तुम लोग अपना बड़बड़ बंद करो यार, अरे चुप रहे यार, एक लगा देते। तो मैंने यहाँ पे एक सबवे स्टेशन लगा दिया, सिटी के सारे लोग खुश हो गए। और एग्जैक्टली ऐसा ही सबवे स्टेशन मुझे अपने माउंटेन सिटी के लिए भी लगाना है, क्योंकि अभी मुझे अपने माउंटेन सिटी को भी सबवे स्टेशन से कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे भी मैं एक सबवे स्टेशन लगा देता हूँ, मे बी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये वाले रूट पे मैंने एक और सबवे स्टेशन लगा दिया और इधर के भी सारे लोग खुश हो गए। और अभी बस मुझे यहाँ पे सबवे की लाइंस क्रिएट करनी है, जो कि मैं जल्दी से इधर क्रिएट कर देता हूँ। अंडरग्राउंड बनेगी ये लाइंस जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले अपने मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी अभी सीधी लाइन में ही मतलब कनेक्ट हो जाएगी, तो इसको मैं सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ईजिली एयरपोर्ट से अपनी सबवे की लाइन जो है वो कनेक्ट हो गई है। एंड फिर ये वाली जो लाइन है वो मैं अपने मेन सिटी का सबवे दूसरा अपना कहाँ पे गया, अपना या देसी बालक सिटी का सबवे स्टेशन इधर रहा, बट इधर तो मैं अंडरग्राउंड कनेक्शन नहीं कर पाऊँगा। मैं भी अपने स्कूल यूनिवर्सिटी वाला सबवे में अंडरग्राउंड कनेक्ट कर सकता हूँ, बट यार नहीं, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ ना पूरा एक अंडरग्राउंड सर्कल ही हम बनाएंगे। तो मैं एक और सबवे स्टेशन अपने मे भी देसी बालक सिटी में मैं लगा सकता हूँ, या ये वाले एयरपोर्ट के पास भी हम लगा सकते हैं एक और सबवे स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे भी गाइस एक अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन लगा देता हूँ, मे भी प्रोबेबली अपने जस्ट एयरपोर्ट के एग्जैक्टली सामने। तो यहाँ पे भी एक लगवा दिया ताकि ना लोग सबवे से ही पूरा ट्रैवल कर सके अपने सिटी में। तो यहाँ पे एक और सबवे स्टेशन आ गया, और फिर इसको मैं अपने एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए भाई मुझे बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े मुझे टर्न लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से 180 डिग्री में ये इधर तक आएगा, अभी बीच बीच में बहुत सारी लाइंस आ रही है। भाई बन जा भाई प्लीज़, सबसे पहले इसको यहाँ तक बनाते, ठीक है बन जा यार। $21,000 यहाँ तक बनाने के लिए लग जाएंगे, ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ पे भी मैं एक लाइन यू नो स्टेशन ऐड कर दूंगा अपने देसी सिटी के लिए। और फिर यहाँ से भी क्या इशू क्या है अभी यार, ओके तो यहाँ तक यहाँ से बना देते, बीच बीच में बनता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। और इसको हमको कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से सामने वाली गाइस मुझे आई थिंक टाइल बाय करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये वाले टाइल भी मैं बाय कर देता हूँ ताकि ना प्रॉपर कनेक्शंस बन सके। तो इधर की सारी टाइल्स बाय करते हैं, $6,00,000 इसके लिए लगेंगे, इधर भी हमको काफ़ी सारा ऑयल मिल जाएगा। तो आज भाई आज के एपिसोड में ना मैंने बहुत सारे पैसे स्पेंड करे, बट कुछ भी नहीं है वो पैसे हमारे उन्होंने GDP के सामने, अपने सिटी का GDP सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है। और फिर यहाँ से ये कर्व करके सबवे स्टेशन का सबसे पहले ना इधर की लाइन में सामने की तरफ लेके आता हूँ, जस्ट लाइक दिस हो गया। सो गेमर्स फाइनली जो सबवे का कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। पहले नदी के थ्रू बन नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेट बना दिया, तो अभी अपनी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, मतलब अपना माउंटेन सिटी और अपना यू नो एयरपोर्ट का भी कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी बस मुझे यहाँ पे सबवे की लाइन क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे अपना माउंटेन सिटी से लाइन कनेक्ट करने वाला हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से अपनी ग्रीन सबवे दौड़ेगी, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमको एक भी ट्रेन नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सारे ट्रेन के कनेक्शन हमने अंडरग्राउंड बनवाए हैं। तो यहाँ से हम लोग इधर एक लाइन क्रिएट करेंगे, एक एक लाइन बनाते सबसे पहले, ये एकदम सीधी लाइन बनेगी और ये सीधा अपने एयरपोर्ट पे कनेक्ट होगी जस्ट लाइक दिस। तो पहली लाइन गेमर्स अपनी बन के तैयार हो चुकी है, और जो दूसरी लाइन रहेगी वो मैं इधर से बनाने की सोच रहा हूँ अपना एयरपोर्ट, मतलब अपना जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसके लिए। तो यहाँ से भी अपनी दूसरी लाइन जाएगी, ये काफ़ी लंबी लाइन है भाई, बहुत बड़ा रूट है। और इसको हम इधर कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे क्या सबवे स्टेशन, ओके ये वाला सबवे स्टेशन जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, ये सबसे बड़ा रूट रहेगा मेरे हिसाब से, बट मे बी लोग भी ट्रैवल करेंगे एयरपोर्ट। फिर यार एयरपोर्ट का कनेक्शन बनाने का फिर फायदा ही क्या, मे बी जो सबवे का टिकट रहेगा वो भी प्रोबेबली कम रहेगा बाकी के टिकट से, मतलब टिकट के हिसाब से। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, सो लाइन कंप्लीट आई थिंक हो गई। यस गाइस, दोनों लाइंस अभी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट को कनेक्ट कर दिया। और लेट मी चेक क्या अभी ये वाले सर्विस स्टेशन के ऊपर लोग आ रहे क्या, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वैसे एक लाइन तो बन चुकी है, 0 पैसेंजर्स वेटिंग, बट मुझे लग रहा है धीरे धीरे यहाँ पे लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। एंड अपना जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है भाई, अभी यहाँ से कार्गो ट्रांसपोर्ट वगैरह होना शुरू हो गया, पहले ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। अरे को कितने सारे अपने कार्गो, अभी इसके अंदर तो पूरा खाली ही है, नहीं ये वापस जा रहा है, किसने कार्गो अभी भी ड्रॉप करा है। तो अभी अपने मतलब एटलीस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी यू नो व्हीकल्स ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है, और देखो काफ़ी सारी व्हीकल्स भी आ रही है कार्गो लेके। ये पहले नहीं होता था, अगर आपको याद है जब मैंने ये वाला एयरपोर्ट बनाया था तो यहाँ से व्हीकल्स जाती नहीं थी, बट अभी इन्होंने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। देर आर करंटली नो व्हीकल्स अवेलेबल, क्यों भाई सबवे, ओ गाइज सबवे स्टेशन पे भी कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है, क्यों? अरे भाई 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 भाई,
मुझे भी इसको अपने मेन सबवे स्टेशन से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते गाइज, यहाँ से ना मैं अपना जो सबवे का अपना जो यार्ड है उधर से मैं एक सबवे की लाइन क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना कोई व्हीकल ही अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से अंडरग्राउंड करूँगा जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से ये जाएगी। जा भाई, अभी यार हमेशा ना ये अंडरग्राउंड में इतने रोड बनाए भाई, क्या ही बताऊँ मैं, हमेशा कोई ना कोई बीच में आ जाता है। यहाँ से गाइज ये वाला सबवे का रूट है, इसको मैं सामने की तरफ लेके चलता हूँ एंड ये सबवे लाइन से कनेक्ट हो गया। तो भी यहाँ पे आई थिंक सबवे जाना शुरू कर देगी। तो जो अभी लोग बोल रहे थे कि सबवे अवेलेबल नहीं है, तो मे बी अभी यहाँ से सबवे जाना शुरू कर देगी। लेट्स सी, कम ऑन भाई जल्दी सबवे स्पॉन करो। यस, फाइनली गेमर्स, सबवे ने जाना शुरू कर दिया। अभी ये वाली सबवे अपने सबवे यार्ड से अपने माउंटेन सिटी के लिए जाएगी, अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाएगी। तो यहाँ से अपना मेन यार्ड से सबवे उधर सप्लाई किया जाएगा। और वैसे भी अगर सबवेज की संख्या कम हो गई तो हम एक और स्टेशन बना देंगे, और उसके पीछे पीछे एक और जा रही है तो मैं भी दो व्हीकल उधर असाइन होगी। तो मैंने दो ही स्टेशन बनाए तो मैं भी दो ही व्हीकल जाएंगी, तीन जा रही है। तो तीनों की तीनों सबवेज ने गाइस जाना शुरू कर दिया, और भाई चौथी भी चलेगी आई थिंक यहाँ पे। वैसे एक सेकंड, कितनी व्हीकल यूज़ में है टोटल? यहाँ पे 10 व्हीकल है, उनमें से 8 ही यूज़ में है। तो ठीक है, व्हीकल सभी जा रही है सबवे स्टेशन अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और अभी वापस अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक नहीं जाम होने का, ये कहाँ है ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ से। वैसे कुछ व्हीकल्स अपने एयरपोर्ट पर जा रही है, और एयरपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे लोग भी है। यस, मतलब लोग भी जा रहे हैं और ये सारी व्हीकल्स अल्टरनेट तरीके से ना यूज़ कर रहे हैं अपने ये वाली। यार मुझे यही बुरा लगता है। अभी पता है क्या हो रहा है कि ये वाला जो अपना गाइस मेन हाईवे है ना, ये वाले हाईवे से अभी ये सारी व्हीकल्स अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मेन हाईवे है उसका यूज़ करके अपने सिटी के अंदर घुसने का ट्राई कर रही है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ कुछ देर के लिए ये वाले व्हीकल के ऊपर, एक सेकंड, ये वाले रोड के ऊपर मैं वैसे बैन वगैरह लगा सकता हूँ क्या? जैसे सिटी स्काईलाइंस 1 में हम बैन लगा सकते थे अलग अलग, मतलब रोड पे कौन सी व्हीकल जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। प्रोबेबली समझ नहीं आ रहा, काम करते हैं अभी के लिए गाइस मैं इधर से हटाई देता हूँ ताकि लोग ना इसका यूज़ ही ना करें, क्योंकि अभी यहाँ से ना बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि ये लोग अल्टरनेट तरीके से डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट के मेन हाईवे का। तो मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया, तो मे भी अभी प्रोबेबली यहाँ से व्हीकल्स जाना बंद कर देंगी एंड देखते ही देखते अपना भाई रेसिडेंशियल एरिया बन के तैयार हो गया। और अभी यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, हाई रेंट वगैरह बोल रहे, तो मुझे यहाँ पे लो रेंटल एरिया वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। एंड अगर एयरपोर्ट है तो यहाँ पे मुझे अभी ऑफिशियल एरिया वगैरह, मतलब काफ़ी सारे भी यहाँ पे चीज़ें बनाना बाकी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ ना ऑफिस वाले एरिया भी मार्कआउट कर देते, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक काम करते हैं, ये वाली बीच वाली लेन पूरी ऑफिस लेन, हाँ यार ये पूरी ना ऑफिस लेन, हाई डेंसिटी ऑफिस लेन बनाते हैं, सारे ऑफिसेस रहेंगे। तो ये मैंने इसको ऑफिस लेन मार्क कर दिया हाई डेंसिटी वाली। तो यहाँ पे सारे अभी ऑफिस की बिल्डिंग्स बनेगी, जस्ट लुक एट दिस, एयरपोर्ट के एग्जैक्टली साइड वाले एरिया में। और ये भी पूरी नहीं, इधर ऑफिस नहीं, आई थिंक इधर ही इतने ही ऑफिस ठीक रहेंगे। और बीच में भी वैसे मैं बना सकता हूँ, नहीं बट बीच वाला एरिया खाली रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफिस वाली बिल्डिंग्स भी मार्कआउट कर दी, और कमर्शियल शॉप्स मैंने ऑलरेडी बना दिए, बट यहाँ पे अभी लोग हाई रेंट बोल रहे, तो मुझे यहाँ पे लो रेंटल रेसिडेंशियल हाउसिंग भी करना पड़ेगा। तो ये रहा लो रेंटल, लो रेंटल प्रोबेबली हम अंदर की तरफ बनाएंगे, मे बी इसके साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लो रेंटल वाले भी हाउसिंग मार्कआउट कर दिए, ताकि लोग जो लोग बोल रहे हैं हाई रेंट है तो रेंट में थोड़ा सा मतलब कमी आ जाएगी। जो अपना माउंटेन सिटी का सबवे स्टेशन है वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया क्या? या दो पैसेंजर्स वेटिंग, दो नहीं भाई पूरी लाइन लगी है पैसेंजर्स की। कितने सारे लोग गाइस अभी अपने सबवे स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं, और मुझे नीचे सबवे की आवाज़ आ रही है, मैं भी सबवे यहाँ पे आ चुकी है। और ये वाला अगर सबवे आप लाइन देखोगे, आई थिंक ये अभी ये चल रही है एक्चुअल में। ओके, तो सबवे में भी यहाँ से जा रही है और एक सबवे आ भी रही है, तो एक लाइन पे आई थिंक दो सबवेज है। एंड देखो, देखते ही देखते कितने सारे लोग अपने सबवे स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, टोटल 10 पैसेंजर्स हो गए। तो अभी अपना माउंटेन सिटी का जो लोग हैं उनका भलाई का हमने पूरा काम कर दिया। अभी अभी अपने माउंटेन सिटी के लोग अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इजीली जा सकते हैं। और अभी यहाँ से ना मैं किसी एक व्हीकल का सिनेमैटिक व्यू फॉलो करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ से अपना मेन सिटी भी नज़र आ रहा है, अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला सिटी है वो भी नज़र आ रहा है। भाई क्या ही बढ़िया नज़ारे है, जस्ट लुक एट दिस। और जो लास्ट एपिसोड में हमने टावर बना दिया था वो तो ना ऐसे उठ के दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सबसे ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग है। कितने सारे एयरपोर्ट, मतलब एयरप्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं, आई मीन दिस इज़ लुकिंग क्रेजी। और पीछे अगर आप देखोगे तो आपको माउंटेन सिटी भी नज़र आएगी, और रॉकेट भी लॉन्च हो गया।
भाई दिस इज द बेस्ट, ये अपना ना बेस्ट डिसीजन रहा। और लेट मी चेक इस व्हीकल को, थोड़ा गेम का स्पीड फास्ट करके पूरा फॉलो करते हैं, देखते हैं ये व्हीकल कहाँ पे जाती है। और जो अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली बिल्डिंग से ना, ये सबसे ऊंची, मतलब भाई क्या ही लग रही है। और जो मैंने ऑफिस जोन से मार्कआउट कर दिया, आई थिंक वहाँ पे ऑफिस की बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो वो जब मतलब वो जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो और भी प्यारा लगेगा। एंड देखते ही देखते गेमर्स, हमको यहाँ पे अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखना शुरू हो गया। ओ माई गॉड, गेम का थोड़ा सा स्पीड कम करते हैं। एंड अभी ये व्हीकल यहाँ से राउंड बॉट लेके मैं भी अपने सिटी से ओके बाहर जा रही है। एंड जो मैंने अभी यहाँ पे नए ऑफिस जोन्स मार्क करे थे, वहाँ पे बिल्डिंग्स ने बनना शुरू कर दिया। कितनी सारी बिल्डिंग्स है भाई। और ये आई थिंक कहाँ पे जा रही है वैसे व्हीकल, डेस्टिनेशन 7 मेडिसन स्ट्रीट। कहाँ पे है ये 7 मेडिसन स्ट्रीट? यहाँ पे ये व्हीकल आई है, कहाँ से जगह है ये भाई? ये अपने मोमो सिटी में व्हीकल जा रही थी वो। ठीक है कोई नहीं। और जो अपना ये टावर हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था ऑब्जर्वेशन टावर, इसको विजिट करने के लिए 50 कितने लोग आते हैं यार, ये इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी यहाँ पे नीचे लोग होंगे, अगर हम जूम आउट करके देखें, आई मीन जूम इन करके देखें तो लोग, या लोग है ये देखो यहाँ पे, वैसे यहाँ लोग तो मतलब आ रहे, तो इसका आई थिंक लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे विजिट करने के लिए भी आ रहे, अच्छी बात है। एंड अभी मुझे अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग सिस्टम का भी देखना है गाइस, मतलब पार्किंग वगैरह भी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई जो अपना यू नो स्पाइरल पार्किंग की बिल्डिंग है वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रैफिक जैम वैसे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इतना तो चलता ही है। और ये रेडियो वाला तो बंद कर यार। और देखते देखते वापस अपना जो प्रॉफिट है वो 160 मिलियन प्लस चला गया भाई, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा सा ट्रैफिक का भी इशू हो रहा है, बट सहना पड़ेगा भाई, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। और मुझे लग रहा है अगर मुझे ना इस ये अपने एयरपोर्ट पे जो खामखा ये व्हीकल जा रही है, अगर इस मुझे इसका एक अल्टरनेट वे फाइंड करना है, तो मुझे इसके लिए आई थिंक इधर से मैं सीधा इसी हाईवे को एक रोड कनेक्ट क्यों ना कर दूँ। क्योंकि अभी देखो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, अपना ये वाला जो मेन मतलब जो दो मेन हाईवेज अपने सिटी के, इधर के मैंने ये वाले अगर रोड को सामने वापस कनेक्ट कर दिया, तो इधर से सारी व्हीकल्स अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही अपने मेन सिटी के अंदर घुसने का ट्राई कर रही है। सो दैट्स आई ट्रैफिक जैम हो रहा है मेरे हिसाब से। सो दैट्स आई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यही से फिर एक और हाईवे का कनेक्शन कर दूँ मैं। A few moments later. Yes, हो गया guys, finally connection हो गया। और अभी बस मुझे इस रोड को अपग्रेड करने का है, तो ये वाला यहाँ से जाने वाला रूट है, जस्ट लाइक दिस। सो फाइनली गेमर्स, रोड के कनेक्शन हो गया, अरे हो जाए यहाँ पे, ओके ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, हाँ या अपग्रेड हो गया गाइज, अभी कंप्लीट हो गया। अभी ये पूरा आपको ऐसा ए नजर आ रहा होगा, जस्ट लुक एट दिस, एकदम बढ़िया वाला लेआउट लग रहा है ये। तो यहाँ पे अपना ए बन के तैयार हो गया, अब तक का सबसे आई थिंक बेस्ट यू नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सेकेंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, इधर तो पानी, वाइज गाइस 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 पानी शुरू घुसना शुरू हो गया। तुम लोग अपनी बड़बड़ बंद करो यार, म्यूजिक शुरू करो बस। यहाँ पे पानी कैसे घुस गया, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मुझे ये एरिया को मैं भी थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ेगा मुझे। अभी के लिए एक बॉर्डर बना रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ ताकि एयरपोर्ट से हो सके, नहीं तो भाई प्लेन्स पानी के अंदर घुस जाएंगे। और मुझे लग रहा है ये घुस नहीं जा रही है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा इसको। और ये प्लेन के अंदर कितने पैसेंजर्स है अभी, वैसे कोई भी पैसेंजर नहीं है, इसके अंदर कितने पैसेंजर्स है, या 8 पैसेंजर्स है। सो गाइज अपना ये पैसेंजर अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आ रही है, मतलब इधर से जा रहा है बेवकूफ एयरपोर्ट के लिए। तो एटलीस्ट अभी प्लेन्स ने आना जाना तो शुरू कर दिया, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और ये वाले लाइन पे यार इंटरनेशनल फ्लाइट पे ज़्यादा लोग है नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मैं भी अभी तक लोगों को ज़्यादा पता है नहीं, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। मैं भी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग। एंड अभी अपना ये वाला सिटी का, एक सेकंड मैं सबसे पहले लगा जहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट बना देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बार बार समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या बुलाऊँ। तो यहाँ से हम यहाँ तक एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ये यहाँ से पूरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ये जो भी इसको हम नाम देंगे, देखते हैं क्या नाम आता है। टेरेस, नहीं यार क्या अजीब नाम है, इसको हम अपनी भाषा में कुछ अच्छा सा नाम देते हैं, ठीक है। घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अभी घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वो वाला कौन सा एयरपोर्ट था, मैं उसका वापस से नाम भूल गया, बेवकूफ़ एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। गाइज दिस इज द बेस्ट देन, तो अपना घटिया एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार है। आपके भी कितने पैसेंजर वेट कर रहे हैं, टोटल 57 पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो हमने यहाँ पे सबवे का अंडरग्राउंड कनेक्शन बनाया था, उधर लोग आ रहे हैं, 14 पैसेंजर्स वेटिंग, एंड अभी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जा भी रहे। और गाइज अभी ना मेरे को एक और चीज़ करनी है कि जो अभी अपने ये घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया हमने इसको, और अरे नहीं 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 नहीं, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट को नाम दे दिया, मुझे एयरपोर्ट का घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट करना था गाइज, सॉरी, और डिस्ट्रिक्ट का हम अलग नाम देंगे।
यार सीरियसली मेरा दिमाग पता नहीं क्या काम नहीं काम क्यों नहीं करता घटिया या ये घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट का हमको अलग नाम रखना है भाई मैं भूल ही गया था तभी मैं सोचूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है चिंदी डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा है हमने तो चिंदी डिस्ट्रिक्ट में अपना घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो अपना चिंदी डिस्ट्रिक्ट बन के तैयार हो गया और अभी इसके बाद मैं एक बार अभी देख लेता हूँ अपने चिंदी डिस्ट्रिक्ट अपना चिंदी डिस्ट्रिक्ट में अभी कितने लोग रहते हैं अपना मुझे इसका देखना था तो टोटल यहाँ पे 1400 लोगों ने स्थलांतर कर लिया है मतलब यहाँ पे लोग रहने के लिए आ गए यहाँ पे मैं पॉलिसीज अप्लाई कर देता हूँ कम्बशन इंजन बैन ये एनर्जी कंजम्पशन अवेयरनेस हैवी ट्रैफिक बैन रिसाइकलिंग आउटसाइड पार्किंग फी $50 और स्पीड बम भी लगा रहे थे और रिसाइकलिंग भी तो मैंने यहाँ पे पॉलिसीज़ को भी अप्लाई कर दिया अपने चिंदी डिस्ट्रिक्ट में और अभी मुझे चिंदी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डेवलपमेंट और करनी है सो दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपना जो चिंदी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से अपना जो कौन सा वाला ये क्या बनाया था मैंने यार मैं सीरियसली मेरे को ना नाम भूलने की बीमारी इसको क्या बोलते हैं हाँ सबवे अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन तो देखो अभी अपने चिंदी डिस्ट्रिक्ट से अंडरग्राउंड सबवे का काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं बट इनको यहाँ पे रोड यूज़ करने के लिए बड़ा सा हाईवे क्रॉस करके आना पड़ रहा है सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक पेडिस्ट्रिशियन रोड जो होता है उसको मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ये वाला तो ये हम एली इसको जो भी बोलते हैं तो दैट्स वाई हम यहाँ से एक एली लेके आएंगे उस तरफ तो अभी हमने गाइस यहाँ पे एक एली क्रिएट कर दिया है तो अभी अपने जो चिंदी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो ये वाला एली यूज़ करके आई थिंक सबवे पे भी जा सकते हैं लेट मी चेक कि क्या सबवे पे कोई जाता है क्या जाना चाहिए यार कम ऑन यार सबवे का सबवे नहीं ये जो मैंने छोटा सा ब्रिज बनाया मे भी लोग जाना शुरू कर देंगे और मे भी उधर से भी यहाँ पे लोग आएंगे तो ईजी होगा थोड़ा सा इसकी ऐसी अबे गाड़ियां आ रही है अभी सीधा बट वैसे ठीक है गाड़ियां भी आएंगी और लोग भी आई थिंक आएंगे तो यहाँ पे मेरे को ओनली लोगों के लिए बनाना था ये बट गधे के कि यहाँ पे अभी गाड़ियाँ भी जा रही है बट ठीक है मतलब नो प्रॉब्लम एज सुन एज जब तक यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता तब तक ये ठीक रहेगा एंड आई थिंक अभी अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा सा एक काम करते हैं नाइट व्यू एक बार चेक करते अपने एयरपोर्ट का घटिया एयरपोर्ट का एक बार नाइट व्यू चेक करते तो ये डे नाइट विजुअल ऑन हो गया बस मेरा गेम क्रैश ना हो एंड देखा लाइट्स लग गई ओ वाओ भाई ये तो पूरा टर्मिनल ही चमक रहा है ओ माय गॉड ये ना मेरे को लग रहा है मैं कोई मूवी देख रहा हूँ सीरियसली ऊपर अपने अरोरा वाले लाइट्स भी है भाई क्या प्यारा लग रहा है अपना घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये जो रोड है वो एग्जैक्टली ना आपको दिखाई दे रहा है एक सेकेंड ये रोड के ऊपर लाइट्स क्यों नहीं है यार एक सेकेंड गाइस मैं काम करता हूँ ये जो अपना रोड है इधर यार लाइट्स होनी मंगती है मेरे को क्योंकि लाइट्स नहीं रहेगी तो यार वो फिक्स ठीक से ना दिखाई नहीं देगा तो यहाँ से हम इसको पूरा अपग्रेड करेंगे यहाँ तक लाइट्स आएंगी पूरा ओके लाइट्स आ गई और या ये वाले भी रोड पे पूरी लाइट्स मैंने को मंगती है अभी आपको ये ए पूरा नज़र आ रहा होगा जो कि अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाता है अब तक का वन ऑफ द बेस्ट लेआउट बनाई है पूरे हमने प्रॉपर रोड के कनेक्शन कर दिए ये अपना इंटरनेशनल रोड यहाँ से भी काफ़ी सारी व्हीकल्स आएंगी और अपना यहाँ पे माउंटेन सिटी का भी दिखाई दे रहा है सो लगभग काफ़ी सारी हमने चीज़ें कर दी है एकदम प्यारा लग रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से माउंटेन सिटी से कोई जाने वाली व्हीकल एक सेकेंड इसका सिनेमैटिक व्यू चेक करते हैं क्योंकि इसका सिनेमैटिक व्यू एकदम बढ़िया आएगा ये एक फूड ट्रक है यहाँ से अभी अपने को सब कुछ दिखाई देगा सो सामने की तरफ ऊपर अरोराज दिखाई दे रहे हैं और यार ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई ओके सुबह में अच्छा लगता है रात में थोड़ा सा दिखाई नहीं देता बट वो टावर तो नज़र आ रहा है जो हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था और एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका हाइट थोड़ा सा कम है बुटका एयरपोर्ट है वो थोड़ा सा ये पुलिस की व्हीकल अपने एयरपोर्ट पे जा रही है एक बार मैं इसका सिनेमैटिक व्यू चेक करता हूँ एक बार देख तो ले कि ये कैसा दिखता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरे में तो ये कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा वाओ भाई इधर देखो लाल लाल लाइट लगी है मे भी कुछ हुआ है उधर अभी ये पूरा आई थिंक राउंड लगा के यहाँ से चला जाएगा भाई बहुत प्यारा लग रहा है सीरियसली और पीछे देखो अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स भाई क्या लग रही है और ये यहाँ पे आई थिंक दुकान है क्या यहाँ पे भाई वेट इसके अंदर के भी गाइस व्यूज दिखाई दे रहे हैं ये आई थिंक यहाँ पे पार्किंग मे बी ये पार्किंग एरिया है देखा यहाँ पे एक व्हीकल भी है एक सेकेंड इसका सिनेमैटिक व्यू फॉलो करते हैं फिर भाई एयरपोर्ट के अंदर के भी व्यूज नजर आ रहे हैं तो ये व्हीकल आई थिंक यहाँ से बाहर जाने वाली है देखा ये यहाँ से बाहर चली गई आई थिंक ये पार्किंग एरिया ही मे भी इधर का छोटा छोटा ही है या यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बना दिया है और बट इधर के लोगों के सिनेमैटिक व्यू फॉलो करते हैं तो है ये लड़की कहाँ पे जाने वाली है वो ये आई थिंक सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से ऊपर जाने वाली है इधर से भी आपको अरोराज दिखाई देंगे
और ये आई थिंक एटीएम मशीन वगैरह भी है यहाँ पे, और ये इस टर्मिनल के अंदर चली जाएंगी। मे बी फिर यहाँ से आप अपना प्लेन पे जा सकते हो, या ये वाले ही बिल्डिंग के अंदर आप एंटर करके फिर यहाँ से अपने मेन टर्मिनल के अंदर जा सकते हो। काश हम इसके अंदर का भी व्यू देख सकते हैं, बट इतना तो एडवांसली व्यू हमको ये लोग नहीं दिखाएंगे। एंड आई थिंक अभी बारिश होना शुरू हो गई जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड ये अपना ऑफिशियल एरिया भी बढ़िया लग रहा है, यू नो सारी के सारी ऑफिस वाली बिल्डिंग्स है। ये गेम में ना ऑफिस वाली बिल्डिंग्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एंड जो अमेरिकन थीम की बिल्डिंग होती है वो तो भाई पूरी ना एक ही हाइट से बनती है, ये एकदम पूरा बढ़िया डिस्ट्रिक्ट बना है। और अभी वापस से मैं अपना जो नाइट डे नाइट मोड ऑफ कर देता हूँ, बहुत सारे नाइट वाले व्यू देख लिए, अभी सुबह देखती है थोड़ी सी। या सुबह हो गई अचानक से, इट्स लुकिंग गुड। एंड अभी ये वाला जो अपना एयरपोर्ट है, यहाँ पे मुझे कुछ टैक्सी के वगैरह भी कनेक्शंस करवाने थे, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ये जो अपना छिंदे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मुझे एक बस स्टेशन वगैरह भी लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने ना जब से मैंने सबवे और मेट्रो लगाई है, मेट्रो नहीं सबवे और अपना दूसरा क्या ट्रैम कनेक्शंस लगाए, तब से मैंने ना ज़्यादा बसेस के कनेक्शंस ही नहीं करवाए। सो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे एक बस स्टेशन लगाना चाहिए, या मे बी जो पुराने बस स्टेशन से मैं वहीं से लाइन क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बस इतनी अच्छी नहीं लगती, मेरे को ट्रैम्स बहुत अच्छी लगती है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक अपने सिटी का एक बस स्टेशन है, तो यहाँ से मैं एक बस लाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि अपने मेन सिटी के भी लोग ट्रैवल करके एयरपोर्ट पे जा सके। तो ये मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने बस स्टेशन को भी कनेक्ट कर दिया जस्ट लाइक दिस यहाँ से, तो ये अपने सिटी के भी लोग बस स्टेशन पे इजीली जा पाएंगे। एंड दूसरा टैक्सी का भी रूट है, तो टैक्सी की भी यहाँ पे मैं टैक्सी की वैसे लाइटिंग लाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ऑलरेडी एक टैक्सी टैक्सी स्टेशन है, तो मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्सीज आ जाएंगी। ऑलरेडी यहाँ पे टैक्सी रुकी है और टैक्सी के लिए भी यहाँ पे गाइस लोग है। मे बी ये सारे के सारे टैक्सी स्टेशन ही है क्या? मे बी सारे टैक्सी स्टेशन ही है, तो या ऑलरेडी यहाँ पे टैक्सीज है, ऑलरेडी टैक्सीज आ रही है। देखा ये भी लड़की आके अभी ये टैक्सी का यूज़ करके यहाँ से चली जाएगी। तो टैक्सी के कनेक्शन से उन्होंने लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली टैक्सीज वहाँ पे आ जाती है। बट अभी हमने नया यहाँ पे बस का भी लेन क्रिएट कर दिया, तो अभी लोग बसेस का भी यूज़ करेंगे अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने के लिए। और अभी अपना जो चिंदी डिस्ट्रिक्ट है, मैं अभी एक बार उसका पॉपुलेशन देख लेता हूँ कितने लोग आ गए रहने के लिए, तो लगभग 2000 लोगों का पॉपुलेशन होने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एक बार देख लेते हैं। क्राइम बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली मुझे पुलिस स्टेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंटरटेनमेंट कम है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन वगैरह यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये आते हैं अपना सिक्योरिटी में, नहीं ये फायर वाला आ गया, वैसे फायर का भी आई थिंक एक होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक फायर टावर लगा दूँ, फायर टावर का नहीं, जो अपना मेन फायर स्टेशन लगाया था उसका मैं ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ अपना छिंदे डिस्ट्रिक्ट, ताकि यहाँ पे कहीं पे आग लगती है तो हेलीकॉप्टर जाके सीधा फायर बुझा देगा। और उसी के साथ साथ मैं एक टावर भी लगा देता हूँ, जो कि सर होना चाहिए, ठीक है। तो अपना ये टावर में भी प्रोबेबली एयरपोर्ट के सामने लगेगा, तो लगा दिया। देखा सारे लोग खुश हो गए और अपना एयरपोर्ट भी खुश हो गया, अपना घटिया एयरपोर्ट। और अभी पुलिस स्टेशन लगाने की ज़रूरत है, तो ये आते हैं पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक छोटा सा पुलिस लगाते हैं पुलिस स्टेशन यहाँ पे। तो पुलिस स्टेशन प्रोबेबली सामने ही लगाते, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोबेबली मे बी यहाँ पे लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसको अगर अपग्रेड करना होगा तो बाद में ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, तो प्रोबेबली हम यहीं पे लगा देंगे। या यहाँ पे मैंने एक पुलिस स्टेशन लगा दिया, और इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड भी कर देता हूँ। ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट इसका ओनली अपना चिंदे डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ताकि ये पुलिस पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके। और इसके अंदर मैं गराज एक्सटेंशन भी कर देता हूँ, बढ़िया रहेगा ये। तो यहाँ पे मैंने पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी लगा दिया। और जो लोग बोल रहे थे यहाँ पे लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, बट उससे भी पहले हमको यहाँ पे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा या टेलीकॉम सर्विसेज लगाने पड़ेंगे गाइस। तो ये $1 million का टेलीकॉम टावर लगा दिया तो अपना पूरा एयरपोर्ट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। अगर छोटा लगा दिया तो यार मे बी 2-3 लगाने पड़ेंगे फिर। एक काम करते गाइस, $1 million का लगा ही देते, क्योंकि देखा वापस से $170 million का प्रॉफिट चला गया, तो मैं ये टावर तो लगा ही सकता हूँ, तो ताकि अपना पूरा ना एयरपोर्ट को ये कवर कर लेगा, कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम ये टेली कम्युनिकेशन टावर, ये पोल्यूशन तो नहीं करता ना, आई थिंक ये पोल्यूशन नहीं करता, मीडियम पोल्यूशन है, तो ठीक है, मतलब पोल्यूशन मतलब नॉइस पोल्यूशन बोल रहा हूँ मैं। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन टावर लगा दिया $1 million यूज़ करके, सारे के सारे लोग खुश हो गए और ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो अभी अपना यहाँ पे कम्युनिकेशन टावर भी लग गया, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है भैया टावर। अगर आपको मैं इसको यू नो नॉर्मल पर्सन के पर्सपेक्टिव से दिखाऊँ तो जस्ट लुक एट दिस, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और इधर के भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। और उसके बाद जो लोग बोल रहे थे लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके लिए कुछ पार्क्स वगैरह लगाए जाए, जो मैंने ये स्पोर्ट्स अनलॉक करे थे, स्पोर्ट के पार्क्स, आई मीन लार्ज स्पोर्ट्स पार्क, ये लगा देते हैं। यहाँ पे सॉकर फील्ड है,
तो यहाँ पे आई थिंक एक बननी चाहिए, तो सॉकर फील्ड प्रोबेबली मे बी हम ओके यहाँ पे लगा सकते हैं, फिट नहीं हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे ओके यहाँ पे फिट हो जाएगी एग्जैक्टली, तो मियाँ यहाँ पे भी लग जाएगी, नहीं यहाँ पे नहीं लग रही है तो यहाँ पे लगा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक सॉकर फील्ड भी लगा दी, तो इधर के लोग खुश हो गए। मे बी एक सॉकर फील्ड और उसी के साथ साथ एक अमेरिकन फुटबॉल फील्ड भी लगा देते ताकि उन्होंने ये स्पोर्ट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से खेला जाएगा, दोनों पास में ही लगाते। अमेरिकन फुटबॉल और सॉकर फील्ड मैंने यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे अभी आके अभी लोग यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, और इसके अंदर कुछ अपग्रेड करने का सीन आई डोंट थिंक सो होगा। तो ठीक है, अभी देखते देखते अपनी सिटी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होगी। और यहाँ पे भी एम्बुलेंस, नो 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 नो, अभी मुझे थोड़ा सा इधर पुलिस यू नो हेल्थ केयर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अपनी ये नई सिटी बनने वाली है, तो यहाँ पे हमको एक एम्बुलेंस लगाना ही पड़ेगा। आई मीन एक छोटा सा क्लिनिक, मेडिक्लिनिक, तो मेडिक्लिनिक सिटी के यहाँ पे एक मेडिक्लिनिक लगा दिया, इसको मैं अपग्रेड भी कर देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एम्बुलेंस डेपो लगाएंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा गराज एक्सटेंशन विंग भी लगा देते हैं, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो ठीक है लगा ही देते, या यहाँ पे ओके लगा देते। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन विंग लगा दिया, इसको हमने अपग्रेड भी कर दिया मेडिक्लिनिक, और इसका ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट ओनली चिंदी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ताकि ये ओनली चिंदी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे हेल्थ एंड डेथ केयर का भी देखना पड़ेगा, एक मैं क्रिमेटोरियम लगाने की सोच रहा हूँ, जस्ट इसी के साइड में लगा दे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग मरेंगे सीधा उनको आके दफनाया जाएगा। तो मे बी प्रोबेबली इसके लिए थोड़ी सी जगह, इसको थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि हमको इसको बाद में अपग्रेड भी करवाने का है। तो मे बी क्रिमेटोरियम यार कहाँ पे लगा है, एक काम करते हैं फिर इधर लगाते हैं, ये वाला एरिया ठीक है, यहाँ पे मे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिमेटोरियम लगा दिया, और इसको मैं अपग्रेड भी कर देता हूँ, इसके अंदर एक कोल्ड स्टोरेज रहेगा, आई मीन ये क्या एडिशनल स्टोरेज जो भी है, ये गराज हम एक्सटेंड कर देंगे मे बी यहाँ पे, और ये अपना रेफ्रिजरेटर एक्सपांशन भी कर देते। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर से भी लगा दिया, अभी लोगों यहाँ पे जो भी मरेंगे उनको यहाँ पे दफनाया वगैरह जाएगा। एंड जो मैंने ये नया रूट बनाया था लोगों के जाने के लिए, उधर से लोग चल के जा रहे क्या? अरे लोग तो नहीं जा रहे, बट ये एम्बुलेंसेस वगैरह जा रही है, बट ट्रैफिक का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो जब तक ट्रैफिक नहीं हो रहा आई एम ओके विथ इट। एंड उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देखना है पार्किंग का, तो जो हमने लास्ट टाइम ऑटोमेटिक पार्किंग बिल्डिंग मैं एक ही लगा सकता हूँ, आर यू सीरियस यार, तो एक ही हम ऑटोमेटिक पार्किंग बिल्डिंग लगा सकते हैं। तो ठीक है फिर ये ओवरग्राउंड पार्किंग फिर मैं अपने एयरपोर्ट टाउन के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे ओवरग्राउंड पार्किंग के लिए, इसके लिए काफ़ी सारा स्पेस चाहिए, इसको लगाने के लिए भी भाई फिर जगहिश नहीं है, क्योंकि मैंने जितने एरिया बनाए देते हैं सारे एरिया एक्यूपाइड हो गए। तो फिर ये अंडरग्राउंड लगा देते हैं, अंडरग्राउंड तो लगे जाएगा या अंडरग्राउंड लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोबेबली दो लगाते, ठीक है यहाँ पे सीधा मेन रोड पे रहेंगे, यहाँ पे एक रहेगा और उसके साइड में एक यहाँ पे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे दो अंडरग्राउंड पार्किंग लगा दी, जहाँ पे हम $50 लोगों से फी लेंगे पार्किंग फी, इधर से भी 50 और इधर से भी 50। सो गेमर्स, आज के इस वीडियो में आई थिंक इतना इनफ है, आज हमने काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट करी है, हमने घटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, फिर कुछ नए सबवे के कनेक्शंस बनाए, अपने माउंटेन सिटी को अपने मेन सिटी से कनेक्ट करवाया, काफ़ी सारे नए रूट्स बन गए। एंड गेमर्स, अगर आपकी कुछ सजेशंस है इसको लेके तो मुझे वो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय गेमर्स।